करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए एक विशेष और पवित्र अवसर है जो अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। लेकिन जब इस महत्वपूर्ण दिन पर मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो महिलाओं के मन में कई सवाल और संदेह उठते हैं। क्या पूजा की जा सकती है? क्या व्रत को पूरा किया जा सकता है? ऐसे समय में सही जानकारी और मार्गदर्शन बेहद आवश्यक होता है। इस लेख में हम जानेंगे कि पीरियड्स के दौरान करवा चौथ व्रत कैसे किया जा सकता है, साथ ही जानेंगे इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं और नियम। पीरियड्स के दौरान करवा चौथ व्रत कैसे करें? नंबर एक, आस्था बनाए रखें। यदि करवा चौथ के दिन आपके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं तो सबसे पहले अपने मन में आस्था बनाए रखें। ये समझें कि आपका व्रत और भक्ति आपके मन की पवित्रता पर निर्भर करता है। करवा माता के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को मन में जिंदा रखें। नंबर दो, दूर से पूजा करें। इस दौरान आप पूजा पाठ के समय किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवाने का विकल्प चुन सकती हैं। अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र से सहायता मांगें जो आपकी ओर से पूजा कर सके। इस तरीके से आप भी पूजा का हिस्सा बन सकेंगी। नंबर तीन, पूजा सामग्री का स्पर्श न करें। पीरियड्स के दौरान पूजा सामग्री को छूने से बचें। यह नियम आपको शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार अपनाना चाहिए। अगर संभव हो तो पूजा की सभी सामग्रियों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संभालने दें। नंबर चार, मंत्र जाप करें। भले ही आप शारीरिक रूप से पूजा न कर सकें, लेकिन आप मन में मंत्रों का जाप कर सकती हैं। यह आपकी आस्था को और भी मजबूत करेगा और पूजा का सार्थक अनुभव प्रदान करेगा। मंत्रों का जाप करते समय अपने मन में करवा माता की भक्ति को महसूस करें। पूजा पाठ के दौरान क्यों नहीं करना चाहिए? प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। यह ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि इसे भगवान भी सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ के समय महिलाओं को इसे करने से मना किया जाता है। यह मान्यता न केवल शास्त्रों में है बल्कि समाज में भी प्रचलित है। करवा चौथ का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह एक सुहागिन महिला की प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। अगर इस दिन आपके पीरियड्स आ गए हैं तो आप उपरोक्त उपायों का पालन करके अपने व्रत को पूरा कर सकती हैं। पूजा का असली अर्थ मन की भक्ति में है, इसलिए अपने मन में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। इस व्रत के द्वारा आप न केवल अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं बल्कि अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभा रही है। याद रखें कि करवा चौथ का व्रत हमेशा एक पवित्र भावना के साथ मनाया जाता है। चाहे आप पूजा में शामिल हों या दूर से पूजा करवाएं, आपकी आस्था और भक्ति ही इस व्रत का सार है।